लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मीनिंग और कॉजेज हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम इसकी इंपॉर्टेंट फेजेस डिस्कस करेंगे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने से उसके एंड तक उसमें फोर इंपॉर्टेंट फेजेस थी, उन फेजेस को कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला वो हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है, गांधी जी ने क्या बोला कि नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश, हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना। कॉपरेट नहीं करना, कैसे कॉपरेट नहीं करना उनके साथ, हमें उनके गुड्स को परचेज नहीं करना है। मतलब हमारा जो पैसा है, इंडिया का जो पैसा है, वो ब्रिटिश के पास जाना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें उन्हें कॉपरेट नहीं करना है, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमने उनको नॉन कॉपरेट किया प्रॉपरली, अगर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो विद इन ईयर ब्रिटिश को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल था वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर था, और प्रॉफिट हम लोग उनके गुड्स को परचेज कर रहे थे, चाहे वो क्लोथ्स हो या और दूसरी चीजें हो, तो हमें वो परचेज नहीं करनी थी। दैट वॉज द मीनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन। और इसके जो कॉजेस थे उसमें इंपॉर्टेंट कॉजेस थे, रॉयल अटैक वॉज देयर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वॉज देयर, देन खिलाफत मूवमेंट। तो ये सब हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इसकी फेजेस पर है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के बाद एंड तक ये मूवमेंट चली कैसे थी। तो फर्स्ट फेज जो थी इसकी, वो स्टार्ट हुई जनवरी 1921 से मार्च 1921 तक चली, 2 महीने तक ये फर्स्ट फेज चली। इस फर्स्ट फेज में महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली शौकत अली, इन्होंने इंडिया को टूर किया, इंडिया का पूरा भ्रमण किया और लोगों को समझाया, कन्विंस किया कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेट नहीं करना मतलब स्कूल्स, हम उनके स्कूल्स का बायकॉट करें, बच्चों को स्कूल्स में ना भेजें जो ब्रिटिश के स्कूल्स हैं, कॉलेज में ना भेजें, जो उनके कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, वहां पर ना जाएं। तो इससे क्या होगा कि हम जो उनको फीस दे रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लॉ कोर्ट्स में, वो फीस उनको नहीं मिलेगी। उनको फीस नहीं मिलेगी तो उनका सर्वाइवल यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अब उनको, और इस गांधी जी की इस बात को मानकर जो इंपॉर्टेंट लॉयर्स थे उस टाइम, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, जयकर थे, सी आर दास, देशमुख चित्तरंजन दास, इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस भी छोड़ दी और उन्होंने लॉ कोर्ट जाना बंद कर दिया। तो मतलब हमारा जो रिवेन्यू है, जो हमारा जो पैसा है, वो ब्रिटिश के पास नहीं जाना चाहिए। तो अब इसलिए, और ना ही हमें उनके गुड्स यूज करने हैं, तो हमने उनके जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाना शुरू किया, उनकी जो गुड्स होती थी उनका हमने बॉयकॉट करना शुरू किया, जो लीकर शॉप्स थी, जैसे शराब की दुकानें होती थी, वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वॉलंटियर्स जाते थे और पूरी शॉप को चेन बनाकर, उसको हाथ से हाथ पकड़कर एक चेन बनाते थे और लोगों को उसके अंदर जाने से रोकते थे। मतलब हमें ब्रिटिश की लीकर शराब भी नहीं खरीदनी है। तो इसका मतलब हमारा पैसा जो है, इंडिया का पैसा, इंडिया में रहे, ब्रिटिश के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यही उनका नॉन कॉपरेट का मूवमेंट था और इसको उन्होंने फर्स्ट फेज में गांधी जी ने लोगों को गांव गांव जाकर उन चीजों को समझाया। तो दैट वाज द फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज जो थी, दैट वाज फ्रॉम द मार्च 1921 से जुलाई 1921 तक चली और ये फेज 4 महीने तक चली है। इसमें अब जैसे हमने देखा फर्स्ट फेज में ये बोला कि हम स्कूल्स नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, उनके कोर्स में नहीं जाएंगे, तो ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट था। तो अगर स्कूल्स नहीं जाएंगे तो फिर हम बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, वो कहाँ पढ़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि विद्यापीठ बनेंगे, जैसे काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, इलाहाबाद विद्यापीठ, जहां पर इंडियन कल्चर और इंडियन सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको टीच किया जाएगा, ना कि ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाएगा। तो अब इन सब चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए हम उनका कपड़ा भी यूज नहीं करेंगे, तो हम खादी पहनेंगे, तो खादी के लिए चरखे भी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए फंड चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो इसलिए गांधी जी ने एक तिलक स्वराज फंड बनाया। तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, जो इंपॉर्टेंट हमारे एक मॉडरेट लीडर रहे थे इंडिया के, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी। तो उस डेथ एनिवर्सरी पर उनका ये अनाउंस किया गया कि हम एक तिलक स्वराज फंड बनाएंगे और एम रखा गया उसमें 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कलेक्ट होना चाहिए। और वो पैसा हम लोगों ने कलेक्ट किया भी और उसको हमने फिर अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर यूज किया, जैसे हमने खादी बनाई, चरखे चलाए और स्कूल्स की जगह विद्यापीठ एस्टेब्लिश किए। तो सेकंड फेज में हम लोगों ने ये सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। थर्ड फेज जो थी, दैट वाज फ्रॉम जुलाई 1921 टू नवंबर 1921, और ये मूवमेंट भी बीच 4 महीने तक चली। 2 मूवमेंट्स के बाद अब जो मूवमेंट थी उसके अंदर मोमेंटम आ गया था, बहुत स्पीड आ गई थी, इंटेंस हो गई थी, मूवमेंट तेज चलने लगी थी। और इसमें हमने बॉयकॉट्स किए, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया, उनकी चीजों को हमने बॉयकॉट किया, स्वदेशी की मांग की। और इसमें साथ साथ यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, वेल्स एक आइलैंड है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, वहां के जो प्रिंस थे उनका नाम था प्रिंस एडवर्ड, और एडवर्ड यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। इसलिए विजिट किया था कि फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने जो सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, उसको थैंक्स करने के लिए प्रिंस ऑफ विल्स यहाँ पर आ रहे थे। तो इसको हम लोगों ने, इंडियंस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर में जाके प्रिंस ऑफ वेल्स की जो विजिट थी उसको हमने कम्प्लीटली बॉयकॉट किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने हमें क्या दिया, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी दी, रॉयल एक्ट दिया, तो अब आप हमें थैंक्स बोल रहे हैं। तो इन सब चीजों को एक नॉन, इसमें इलॉजिकल था वो विजिट, तो इसलिए कम्प्लीटली उसको बॉयकॉट किया गया। दैट वॉज द थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में जब हमारी थर्ड फेज बहुत इंटेंस हो गई थी, हमने उनके गुड्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट किया, प्रिंस ऑफ वेल्स को हमने बॉयकॉट किया, तो ब्रिटिश जो थे फोर्थ फेज में आकर उन्होंने इसको सप्रेस भी बहुत स्पीड से किया और बहुत ब्रूटली सप्रेस किया, लाठीचार्ज, गोलीबारी, ये सब उन्होंने की। तो और उसके साथ साथ गांधी जी को छोड़कर बाकी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सीआर दास को भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इतना सब जब कुछ हुआ तो इंडियंस जो थे वो भी कहीं ना कहीं वायलेंट हो गए, और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन है, गोरखपुर में जगह है, वहां पर एक गांव है चौरी चौरा, वहां पर 22 पुलिस वालों को जो था 20 पुलिस मैन सर बर्न्ड अलाइव, तो उनको डेड, उनको जिंदा जला दिया गया, थाने में आग लगा दी गई, एक वायलेंस हुआ, और इस वजह से फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड भी कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फेजेस थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस और दूसरे डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।